आउस बिल् अब्न शैतान शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत राम करने वाला है टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस लेक्चर साइंस सो व्यूवर्स यूनिट सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट जो यानी करंट uh, यानी कोई वायर में से जब इलेक्ट्रिक यानी करंट पास होता है दैन इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट सो हम इसके बारे में जो है डिटेल से भी पढ़ते हैं Electricity is a form of energy. We use every day how many things at your home or school use electricity to work. If you start counting, you will end up with a, with a long list of electrical appliances that help make our lives easier. Electricity, which flow through our material, is called quant. यानी का जिस मटेरियल में से जब करंट पास होता है दैन इट इज कॉल्ड द क्वांट क्रंट uh, कहलाता है इसी तरह आपके डिफरेंट किस्म के अप्लाइंस वाली चीज़ें हैं हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें से करंट पास आउट होता है मींस कैसे जब हम स्विच के साथ अगर टीवी के स्विच को जब हम स्विच है बोर्ड के साथ लगाते हैं देन वो स्विच जो है उसके अंदर करंट पास करता है जब करंट पास करता है तो वो फ्लो होकर कहाँ चला जाता है टी के अंदर चले जा और टी ऑन हो जाता है इसी तरह डिफरेंट किस्म की मिक्सचर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जैसे कि आपकी आयरन होती है आयरन में भी जब उसकी स्विच में करंट फ्लो होता है दैन आपकी आयरन जो है ऑन हो जाती है और इसी तरह मुख्त किस्म की जो है जो आपकी अप्लाइंस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही यानी चलती है, यानी करंट से ही चलती है ये करंट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि करंट होता क्या है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में कम्प्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट्स के बारे में द कम्प्लीट पाथ अलॉन्ग विच एलेक्ट्रिसिटी फ्लॉ इस कॉल सर्किट जब यानी कम्प्लीट सर्किट मीन्स अगर जो है सर्किट जो है कंप्लीट हो और दोनों तार जो है बैटरी के साथ अटैच हो जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एक बैटरी यानी उन्होंने बैटरी ली है और बैटरी के साथ उन्होंने वायर को अटैच किया जब वो वायर को अटैच किया अगर वो कंप्लीट है और जुड़ा हुआ है और वायर के साथ अटैच किसको किया दूसरा बल्ब को किया आ, अगर वो जो है वायर के साथ अटैच होगा बल्ब देन वो बल्ब ऑन होगा और अगर वो नहीं वायर के साथ अटैच होगा देन वो इनकम्प्लीट सर्किट होगा ये कंप्लीट सर्किट uh, है देन ये वाला जो दूसरा क्रॉस जिस पे लगा है वो इनकम्प्लीट सर्किट है इलेक्ट्रिसिटी नीड अ कम्प्लीट सर्किट टू फ्लो दिस इज़ कॉल कम्प्लीट और क्लोज सर्किट जो इसमें से आसानी से यानी करंट जो है पास आउट हो जाता है दैन इट इज़ कॉल दैन इट इज़ कॉल द कम्प्लीट सर्किट और जिसमें से यानी करंट जो है फ्लो नहीं होता है दैन इट इज़ कॉल द इनकम्प्लीट सर्किट हम इसके बारे में पढ़ते हैं इफ़ देयर इज़ अ गैप और ब्रेक इन दाथ द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट थ्रो इट Uh, this is called an open uh एन इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जिसके अंदर से यानी जो वायर के साथ अटैच हो गया और इसमें से जिसमें से करंट पास आउट हो जाएगा और वो आसानी से रोशन हो सकेगा बल्ब जिस लगा होगा अगर बल्ब लगा होगा दैन इट इज़ कॉल द कम्प्लीट सर्किट और जिसमें बल्ब यानी अटैच नहीं हुआ होगा वो बैटरी से अलहदा होगा दैन इट इज़ कॉल द इनकम्प्लीट सर्किट सो इसी तरह जब आपके जैसे कि आप खुद से एक कोई चीज़ से बनाते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद से जो है यानी लाइट वगैरह को जागर करते हैं यानी चलाते हैं वो एक बैटरी लेते हैं और उसके साथ छोटा सा बल्ब लगा देते हैं अगर उसके एक साइड पे उसकी वायर लगा देते हैं और दूसरी वायर ना लगाएँ तो देन बल्ब ऑन नहीं होगा और अगर दोनों जो वायर जो है अटैच होते हैं कि वो कंप्लीट सर्किट भी खिलाएगा और बल्ब भी ऑन होगा ये आपका था कम्प्लीट और इनकम्प्लीट का सर्किट का टॉपिक ये देखें यहाँ पे ये कंप्लीट सर्किट है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सर्किट के साथ तो ये कंप्लीट सर्किट है और इसकी मदद से आपको पता भी चल रहा है यहाँ पे बल्ब जो है ऑन है और यहाँ पे इनकम्प्लीट कैसे ये सर्किट है वो कैसे क्योंकि ये एक बैटरी से एक तार उतरी है अगर दोनों वायर का अटैच होना जरूरी है अगर इसमें से एक वायर उतर जाएगी तो वो इनकम्प्लीट सर्किट जाएगा उसकी वजह से जो है बल्ब ऑन नहीं होगा तो ये देखें जैसे यहाँ पे वो एक बैटरी से तार उतरी हुई है तो बल्ब जो है ऑन नहीं है वो आपको कलर लग रहा है कि वो ऑन है लेकिन ये ऑन नहीं है नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं पार्ट डी क्वेश्चन नंबर वन इलेक्ट्रिक करंट हमने पीछे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी अगर आपको वो इजी लगती है आप वो कर सकते हैं देन आंसर यहाँ पे हम जो है वो पढ़ते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है सो व्यूवर्स यहाँ तक आपका वर्क था आपने अच्छे तरीके से इसे याद करना है थैंक यू सो मच एंड अला